हे गाइस, वेलकम बैक इन माय अंदर व्लॉग। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं करने वाली हूँ आज ट्रेन से ट्रैवल। यहाँ पर मैंने टिकट ले लिया हुआ है दो लोगों का, क्योंकि मैं और मम्मी जा रहे हैं, मम्मी रही वो। हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, तो हम उधर ही जा रहे हैं। और मुझे रेलवे स्टेशन पे बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कम ट्रैवल किया हुआ है। ये रही हमारी ट्रेन जिसे हम जाने वाले हैं। अभी हम 4 बजे लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो। नहीं, भीड़ से अच्छा हम लोग थोड़ी देर वेट कर लें, उसके बाद जाएं। ओके गाइस, फाइनली ये रहा लखनऊ का रेलवे स्टेशन। हमें डायरेक्ट जाना है BBDU। वी आर कन्फ्यूज़ कि हम कोई कैब यहाँ से बुक करें या फिर ओला। तो मुझे समझ में कम आता है, क्योंकि मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया हुआ है ज़्यादा। तो अब ये सोच रहे हैं पहले मेट्रो में जाएं, पॉलिटेक्निक तक जाएं और वहाँ से ऑटो करके हम चले जाएं BBDU। यही ट्राई करते हैं, आई होप यही सही रहेगा। मम्मी, मेट्रो की भीड़ देखने के बाद हम दोनों वापस फिर से आ जा रहे हैं। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ है, समझ नहीं आ रहा है। धूप बहुत ज़्यादा थी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने एक ऑटो बुक किया और इसे हम जा रहे हैं BBDU। कॉलेज की कैब ने हमें एडमिशन शेल में भेज दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा एडमिशन होगा। अभी एंटर कर रहे हैं अंदर में। आई होप अंदर कोई भी वीडियो अलाउड नहीं होता है, तो मैं शूट भी ना कर पाऊँ, बट पॉसिबल हुआ तो ज़रूर करूँगी। फाइनली गाइज, एडमिशन हमारा हो चुका है। जस्ट अभी मैं एडमिशन जहाँ पे होता है वहाँ से वापस आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल देखने के लिए, क्योंकि जो कॉलेज में हॉस्टल वो देखूँगी, बाहर का भी देखूँगी, सब कुछ देख के फिर डिसाइड मुझे करना है। सारी डिटेल आपको मैं बाहर चल के बताऊँगी। फिलहाल के लिए मैं भी कॉलेज में के अंदर में जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर में हूँ, क्योंकि मुझे और मम्मी को सारी चीज़ें देखना है और पता करना है रहने की फैसिलिटीज़ यहाँ पे कैसी है। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से थक चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस था एडमिशन का। कैश काउंट करवाओ, उसके पहले सर से मिलो, बातें करो, फॉर्म भरो, बार बार फॉर्म। हाँ, अगर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या करना है, तो नीचे कमेंट कर देना आप लोग। जितनी डिटेल हो सकेगी मैं कमेंट्स बताऊंगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना है, तो मैं इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे कॉलेज आना है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है एंड ऑल। फिलहाल के लिए चलिए आप अपनी यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। ये है बाबू बनारसी दास। मम्मी, मेरा एडमिशन हो गया, कैसा लग रहा है? वाह। हॉस्टल देख देख के परेशान हो चुके हैं। आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मैं कौन सा रूम लूँ। जी, हम कॉलेज के अंदर वाला भी बाहर वाला भी हॉस्टल देख के आए हैं। अभी और जगह भी पता करूँगी जो भी होगा रहने से पहले। अभी भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, क्योंकि कंटिन्यू हम और मम्मी वर्क कर रहे हैं इसी सब में। अभी हम आ गए हैं क्राउन मॉल। क्राउन मॉल जस्ट BBDU के सामने, वो रहा BBDU, ये रहा क्राउन मॉल। जो इधर के हैं उन्हें पता होगा, यहाँ जाके होगा थोड़ा सा मूड लाइट, क्योंकि दिमाग हो चुका है ख़राब थक थक के। हम आ गए हैं अभी खाना खाने के, क्योंकि भूख ज़रूरत से ज़्यादा लग चुकी है। क्यों मम्मी? बहुत तेज भूख लगी है। आप मुझे खाना दे दो। जिसने इतना बड़ा फैन ना देखा वो देख ले। अभी हमारी पेट पूजा स्टार्ट हो चुकी है। लुक एट दिस, बहुत ईयर तरीके से, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो भैया, हम क्राउन मॉल आके खा पी लिए, पेट भर गया हमारा। राजमा अच्छा था, बढ़िया था, मतलब जैसा भी था पेट भर गया। भूख लगी रहता, सब कुछ अच्छा लगता है, पता नहीं कैसा था। मम्मी हमारी बहुत डरती है इससे, लेकिन इनको मैंने सिखा दिया है।
ओला मैंने किसी से बुक करवाया हुआ क्योंकि मेरे फोन में वेरीफाई नहीं कर पा रहा है ओला। और हम और मम्मी क्राउन मॉल के सामने कुछ इस तरीके से बैठे हुए ओला का वेट कर रहे हैं। ओला है अभी पता नहीं आ रहा है। फाइनली हमारी कैब जो थी मैंने बुक किया था वो आ गई है। तो अभी गाइस हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, से एकदम से घूम रहा है। एक तो लखनऊ में ट्रैफिक ऐसा रहता है कि क्या ही बताएं। मम्मी मेरी स्टेटस पे स्टेटस लगाए पड़ी हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। क्लासेस जो होंगी उनकी डेट 31 जुलाई के बाद हमें बता दी जाएगी। हमें पता करता रहना मतलब करता करते रहना पड़ेगा। कॉलेज मतलब तब से ओपन होगा क्या कैसे, और बाकी धीरे धीरे छोटी छोटी डिटेल्स आएगी ब्लॉग्स में भी मैं आपको शेयर करती रहूँगी। जैसे जैसे कॉमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा सब कुछ। वैसे इजीली हो गया मेरा तो बहुत, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके गई हुई थी, सब कुछ इकट्ठा करके कलेक्ट करके लेके गई हुई थी, तो ज़्यादा मुश्किल मुझे तो नहीं हुई। आप लोगों को भी सब कुछ पहले से ध्यान में रखते हुए लेके जाना है तो एडमिशन आपका इजीली हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के रिगार्डिंग पूछते हैं यार, सबका बताना मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है कि मैं एक एक लोग का बताऊँ। आपका जो भी कमेंट रहा करे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करो। अगर मुझे लगेगा कि ये बताने लायक है या फिर इसे वीडियो बनाने लायक है तो इसे वीडियो बनाऊंगी। वैसे भी अब मैं कॉलेज में ही आने वाली हूँ तो आपको कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फाइनली एडमिशन डन हो चुका है हमारा, पूरे तरीके से एडमिशन हो गया है। सेप्टेम्बर से या फिर अगस्त से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट ही हो जाएंगी। मेरी शौकीन मम्मी वीडियो बनाते हुए रास्ते का पूरा अपडेट रहती है मम्मी। वाह नहीं नहीं वाह 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 बन गया मम्मी, पूरा वीडियो शूट हो रहा है। मैं नहीं दिखा पा रही हूँ गाइस आप लोगों को क्या है बाहर। अच्छा ये सब दिखा रही हूँ। बाय द वे गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने चल रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बोल रही थी मैं, कह रही थी ये कि एडमिशन की डिटेल होगी इसके अगले वाले ब्लॉग में भी, जो ब्लॉग शूट करने वाली हूँ उसमें भी आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, उसको भी देखिएगा। अच्छा होने वाला है ब्लॉग अभी, क्योंकि हमारी वापस लौटने की जर्नी होगी उसमें आपको दिखेगी। बाय द वे आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग। बाय टेक केयर, सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।